हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आज एक और हेल्थी रेसिपी आप लोगों के साथ लेके आई हूँ, जिसे हम बनाएंगे स्प्राउट्स के साथ। अगर आप डाइट कर रहे हैं या फिर जिम जाते हैं तो आप ये रेसिपी बना के खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और हेल्दी तो है ही। सबसे पहले हमने क्या किया, मिक्सी जार में स्प्राउट्स को डाल के पीस लिया। इसे हम डाल देंगे एक बाउल में। अगर आपके बच्चे हेल्दी खाना चाहते हैं या आप उन्हें हेल्दी खिलाना चाहते हैं तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। आप लंच में या डिनर में या फिर स्कूल टिफिन में भी रेसिपी दे सकते हैं। स्प्राउट्स को पीस के मैंने एक बाउल में डाल दिया और उसमें डाल दिया 50 ग्राम पनीर ग्रेट करके। दोनों ही हाई प्रोटीन चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। और इसके अंदर अब हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। एक छोटे साइज का प्याज लिया है, इसे बारीक बारीक काट लिया है। इसमें हम थोड़ा सा धनिया काट देंगे और थोड़ा सा ना पुदीना भी काटेंगे। धनिया पुदीना दोनों का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा, थोड़ा सा पुदीना जरूर डालें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए, और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जानना कि आप दुनिया के किस कोने से मुझे देख रहे हैं। इसमें हमने डाली है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी जिससे कलर अच्छा आएगा, आधा चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर और आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें चाट मसाला और अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक। 2 चम्मच भर के डाला है मैंने बेसन और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। बाइंडिंग के लिए अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते तो ओट्स का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अगर हेल्दी वे में जाना है तो ओट्स का पाउडर या फिर बेसन का यूज़ आप कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स कर लिया, देखिए एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। मेरी बेटी को ना हेल्दी हेल्दी रेसिपी खाना बहुत पसंद है, उसको लगता है कुछ नया नया मुझे हेल्दी हेल्दी बना के देते रहो और मैं ट्राई करती रहूँ, क्योंकि हर दिन एक जैसा खाना उसको पसंद नहीं है, एकदम अलग अलग चीज़ें चाहिए और मगर हेल्दी भी चाहिए। तो ये देखिए, ये मैंने इसे इस तरह से शेप दे ली है। मैंने थोड़ी लंबाई में शेप दी है क्योंकि हम बनाने वाले हैं आज एक रैप जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और एकदम फिलिंग भी होता है। एक रैप से ही पेट भर जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। ये देखिए, इतने बैटर में 4 टिक्की बनकर रेडी हो गई है। अब इसे हम एक नॉन स्टिक तवे पर सेक लेंगे हल्का सा ऑयल लगा के, क्योंकि हम हेल्दी बना रहे हैं तो बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाना है। अगर आप ज़्यादा ऑयल लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, टोटली ऑप्शन आपका, आपकी मर्जी है। और मैंने बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाया है और इसे तवे पर रख के मैं अच्छे से सेक लूँगी। करारा होने तक एकदम सेकना है हमें, उलट पलट के दोनों तरफ से। और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे, बहुत हाई फ्लेम पर नहीं सेकेंगे, नहीं तो ऊपर से लाल हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इस हिसाब का ध्यान रखें गैस का, लो टू मीडियम गैस पर हम इसे सेकेंगे। और अगर आपको ये रेसिपी यहाँ तक आ गए हैं, आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और ऐसी ही हेल्दी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए ऐसी हेल्दी रेसिपी लाती रहूँगी क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए हमेशा बनाती हूँ। अगर आपको भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए, उसे उलट पलट के मैंने एकदम करारा होने तक सेक लिया, देख रहे हैं एकदम अच्छे से ये सेक गई है। इन्हें हम अब तवे से उतार लेंगे। तो चलिए, हमारी ये कबाब तो तैयार हो गए हैं, मतलब टिक्की कबाब आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। ये मैंने 2 चम्मच दही ली है, इसे मैंने ना छन्नी में डालकर रख दिया था, इसका सारा पानी निकल गया। और इसके अंदर मैंने डाल दिए 1 चम्मच भर के धनिया पुदीने की चटनी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे हम इसके अंदर और थोड़ा सा चाट मसाला भी डालेंगे और अच्छे से इसे ना मिक्स कर लेंगे। देखिए, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये डिप बनकर रेडी हो गई है। इसे हम लगाएंगे अपने रैप के अंदर, इससे हमारा जो रैप है ना वो एकदम क्रीमी बनेगा और हमें कोई सॉस लगाने की या फिर अनहेल्दी मेयोनीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने रोटी ले ली है, मैंने तो व्हीट फ्लार की रोटी ली है, आप चाहें तो ओट्स की रोटी बना के भी ले सकते हैं। तो मैंने इसमें लगा दी है जो हमने डिप बनाई थी, उसे अच्छे से लगा दिया, इससे एकदम क्रीमी हमारा रोल बन के रेडी होगा और बहुत टेस्टी भी लगेगा। ये देखिए, 2 कबाब मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं, आप चाहें तो एक भी लगा सकते हैं। ऊपर से मैंने डाल दिए चुकंदर के लच्छे, आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां ऊपर से डाल सकते हैं, जैसे कैबेज वगैरह भी डाल सकते हैं या जुकनी डाल सकते हैं, मगर मैंने प्याज और वो डाली है, चुकंदर के लच्छे डाले हैं और ऊपर से थोड़ी सी डिप भी डाल दी है। इससे क्या होगा ना, एकदम क्रीमी टेस्टी हमारी ये रोल बन के रेडी होंगे। और इसे हम तवे पर हल्का सा तेल लगाकर सेक लेंगे, सेकने से ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे और खाने में मज़ा आएगा इसे और अच्छा लगेगा खाने में, इसलिए ज़रूर सेके। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, मगर ऐसे करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्ट इसमें बढ़ जाएगा। दोनों कप मैंने 2 रोल तैयार कर लिए हैं,
और इसे उलट पलट के अच्छे से करारा क्रिस्पी होने तक मैं इसे सेक लूंगी। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है। ये देखिए एकदम अच्छे से करारे हो गए हैं। अब हम इसे उतार लेंगे और हमारे टेस्टी से रैप बन के रेडी हो गए हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ऐसी हेल्दी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। और देखिए ये हमारे रोल बनकर रेडी हो गए हैं और इसे हम पैक कर लेंगे जैसे बाजार में मिलते हैं ना, बटर पेपर के साथ। बहुत ही टेस्टी और यमी ये बन के रेडी हुए हैं। मेरी बेटी को तो बहुत पसंद आए, मुझे भी बहुत पसंद आया, क्योंकि हेल्दी खाना और टेस्टी भी हो साथ में तो बात ही क्या है। बच्चे जब हेल्दी खा लेते हैं अगर उनको टेस्ट मिल जाए तो, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहें, बच्चों को खिलाते रहें, बच्चों को क्या पसंद आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ये देखिए ऊपर से डाल दिए थोड़ा सा हरा धनिया और हमारे ये रोल बन के रेडी हैं। बहुत ही यमी बने थे। मेरे से तो सब्र ही नहीं हो रहा था, मैंने सोचा मैं आपको खा के दिखाती हूँ कैसा बना है, टेस्ट करती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यमी बना था। अगर आप मेरे पेज पर नए हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।